सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में पदस्थ 41 पटवारियों का वेतन काटा गया है। इसके विरोध में पटवारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। बता दें कि प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पटवारियों को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सिवनी जिले में पटवारियों का काम संतोषजनक बताया जा रहा है, लेकिन लखनादौन तहसील के मुकाबले में काम कम हुए हैं। समीक्षा बैठक कर एसडीएम ने ऐसे पटवारियों को नोटिस जारी कर वेतन काटने के आदेश दिए। वहीं अब अधिकारियों की हिटलरशाही से परेशान पटवारी विरोध में उतर गए हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 15/11/24 से 15/12/24 तक एक माह में राजस्व महाअभियान 3.0 चलाया जा रहा है। इसके तहत फार्मर रजिस्ट्री, लिंकिंग, नक्शा बटांकन और अन्य कार्य नामांतरण बंटवारा आदि को शामिल किया गया है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक 25 तारीख को इसकी समीक्षा की गई थी, जिसमें 5% से कम प्रगति वाले पटवारियों की को अवैध नहीं किए जाने का आदेश दिया गया था जी। उसी के संबंध में कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर इन लोगों को एक दिवस अवैध नहीं किया। जो फार्मर रजिस्ट्री है वो सॉफ्टवेयर बहुत धीमा चल रहा है और कहीं कहीं चल भी नहीं रहा है, और दूरस्थ क्षेत्र में तो वो उसका नेटवर्क भी नहीं है। तो सर ने बोला कुछ पटवारी को ज़्यादा और कम क्यों हो रहे हैं, तो उसके लिए भी सर को हमने बताया सर वो शहरी क्षेत्रों में तो नेटवर्क मिल जाता पर दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं मिल पाता, इसके कारण से हो सकता है उनका नहीं चल पा रहा है। इसलिए निवेदन करे पर इसके बाद भी सर ने आज एक आदेश कर दिया जिसमें 47 पटवारियों का वेतन काट दिया गया, इसलिए आज से हम 3 दिन के सामूहिक अवकाश में जा रहे हैं।